भारतीय राजनीति का वो चेहरा जिसके बयान खूब विवादों में रहे। दावा है कि उसने पहले नरेंद्र मोदी को चायवाला कहा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बंटवारे में वो भारत आ गया और फिर अधिकारी बनकर पाकिस्तान पहुंचा। यूपीएससी की परीक्षा में वो 7वें नंबर पर आया, लेकिन उसका चयन निरस्त कर दिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद उसका चयन हुआ। स्कूल में वो राजीव गांधी का सीनियर था। सियासी पिच के अलावा वो प्यार की पिच पर भी चर्चित रहा। तमिल ब्राह्मण होते हुए उसे सिख लड़की से प्यार हो गया था। शादी के लिए दोनों परिवार राजी नहीं थे। चलिए आपको कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। जनवरी 2014, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई था। इसी बीच मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया और कहा कि अगर उन्हें चाय बेचनी है तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचें। अय्यर ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर उन्हें चाय बेचनी है तो उनके लिए जगह हम खोज देंगे। नरेंद्र मोदी अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो गए। मोदी ने खुद को चाय वाला कहकर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर दिया और अय्यर के एक बयान ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। सियासी गलियारों में मणिशंकर अय्यर को बयान बहादुर के तौर पर भी जाना जाता था। मोदी को चाय वाला कहकर फजीहत करा चुके अय्यर नरेंद्र मोदी को नीच भी कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में मणिशंकर ने कहा था कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इस बयान के बाद अय्यर की मुश्किलें बढ़ गई थी। मोदी और बीजेपी ने अय्यर के बयान के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया, जिसका खामियाजा देश की सबसे पुरानी पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने अय्यर पर एक्शन लिया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। मणिशंकर अय्यर और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दोस्ती की खूब चर्चा रही है। ये दोस्ती स्कूल के दिनों से ही थी। दून स्कूल में अय्यर राजीव गांधी के सीनियर हुआ करते थे। वहीं कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी हॉल में जब अय्यर ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तब राजीव गांधी ने उनकी काफी मदद की थी। वहीं जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मणिशंकर को सूचना विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनका प्रशासनिक मन राजनीतिक होने लगा। मणिशंकर अय्यर राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। दून स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी में दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी थी। हालांकि अय्यर राजीव के सीनियर थे, लेकिन दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी थी। दून में पढ़ाई करने के बाद अय्यर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया। इस दौरान भी वो राजीव गांधी के संपर्क में रहे। डीयू से पढ़ाई पूरी करने के बाद मणिशंकर अय्यर लंदन की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें सियासत का चस्का लग गया। मार्क्सवादी आंदोलन के संपर्क में आने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अय्यर ने छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में उनके दोस्त राजीव गांधी ने पूरी मदद की थी। वक्त बीतता रहा, लेकिन राजीव अय्यर की दोस्ती जस की तस रही। ये दोस्ती उस समय और भी प्रगाढ़ हो गई जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1978 से 1982 के बीच पाकिस्तान में भारतीय दूतावास में सेवाएं देने वाले मणिशंकर अय्यर को 1985 में राजीव गांधी ने भारत बुला लिया और उन्हें सूचना विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। 4 सालों तक अय्यर इस पद पर रहे। इस दौरान वो अपने दोस्त और प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भाषण लिखा करते थे। इस दौरान अय्यर ने राजीव गांधी के लिए तकरीबन 1000 से ज्यादा भाषण लिखे। राजीव गांधी के साथ काम करते करते मणिशंकर अय्यर का प्रशासनिक मन राजनीति में रमने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो राजनीति में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब राजीव गांधी को पता चला कि अय्यर राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। दरअसल राजीव गांधी अय्यर के राजनीति में आने के पक्ष में नहीं थे। एक इंटरव्यू में खुद अय्यर ने बताया था, राजीव को मेरा राजनीति में आना पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे इससे रोकने का प्रयास भी किया। राजीव मुझसे कहा करते थे कि मैं इस सिस्टम के लिए फिट नहीं हूँ। आखिरकार मेरे जोर देने पर वो इस बात के लिए राजी हो गए। राजीव गांधी के मानने के बाद मणिशंकर ने 1989 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो लोगों के बीच एक्टिव हो गए। 1991 में कांग्रेस ने अय्यर को तमिलनाडु की मयिलादुथुरई सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। अय्यर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो उन्होंने प्रचार के लिए अपने दोस्त राजीव गांधी को भी बुलाया था। मई के तीसरे हफ्ते में राजीव गांधी दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे। 22 मई को उन्हें मणिशंकर के समर्थन के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचना था। राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया जा चुका था। शामियाने ताने जा चुके थे, मतलब तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। वह 21 मई को दिन भर प्रचार करने के बाद अय्यर अपने संसदीय कार्यालय पहुंचते हैं और अगले दिन की तैयारी में लगे हुए थे। तभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अय्यर के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही मणिशंकर अय्यर का चेहरा पूरी तरह उतर गया।
दरअसल उस कांग्रेस कार्यकर्ता ने मणिशंकर अय्यर को राजीव गांधी की मौत की जानकारी दी थी। दोस्त को खोने के बाद अय्यर को गहरा सदमा लगा। उस घटना का जिक्र करते हुए अय्यर ने कहा था, आधी रात का समय था, मैं अपने संसदीय कार्यालय में बैठा हुआ था, दिन के आखिरी काम निपटा रहा था। तभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आकर मुझसे कहा कि राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई है। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया, मुझे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। भले ही राजीव गांधी के निधन ने दो दोस्तों को जुदा कर दिया, लेकिन आज भी मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी की दी हुई घड़ी को अपने साथ हमेशा रखते हैं। वहीं 2008-09 में खेल मंत्री रहते हुए अय्यर ने अपने जिगरी दोस्त राजीव की याद में उस मैदान पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया जहां उनकी सभा होनी थी। मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी को अपनी सबसे बड़ी सियासी पूंजी मानते हैं। तारीख 30 अक्टूबर 1962, भारत चीन के बीच युद्ध अपने चरम पर था। अरुणाचल प्रदेश का तमांग भारत के हाथ से खिसक गया था। रेडियो पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुझे हुए शब्दों से इसकी जानकारी दी थी। ठीक इसी दिन युवा मणिशंकर अय्यर लंदन में इंडिया हाउस में भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे थे। वही इंडिया हाउस जो आजादी के पहले लंदन में समाजवादी विचारधारा के नेताओं और छात्रों का गढ़ हुआ करता था। मणिशंकर अय्यर ने एग्जाम दिया, नतीजे आए तो मणिशंकर अय्यर मेरिट में 7वें नंबर पर थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उन्हें अपनी नियुक्ति का इंतजार था। 3 महीने बाद यूपीएससी की तरफ से अय्यर को एक खत आया जिसमें उनके सिलेक्शन को कैंसिल करने की बात लिखी गई। यूपीएससी के पत्र ने अय्यर की टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद परेशान अय्यर ने जवाहरलाल नेहरू को इसकी जानकारी दी। पंडित नेहरू ने मणिशंकर अय्यर की सिफारिश करते हुए यूपीएससी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने मणिशंकर अय्यर के बारे में अच्छी रिपोर्ट सुनी है, उन्हें सेवा में ले लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का खत मिलने के बाद यूपीएससी ने मणिशंकर का सिलेक्शन कर लिया। 1963 में उन्हें भारतीय विदेश सेवा में बहाल किया गया। विवादों और मणिशंकर अय्यर का चोली दामन का साथ रहा है। बात 2000 की है। पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के भाई और प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल की पार्टी में अय्यर पहुंचे थे। इस पार्टी में अमर सिंह भी पहुंचे थे। देखते ही देखते उस पार्टी में अय्यर और अमर सिंह के बीच कहासुनी होने लगी। अमर सिंह की माने तो शराब के नशे में मणिशंकर अय्यर ने उन्हें अपशब्द कहे। अमर सिंह पर नस्लवादी होने का आरोप लगाते हुए अय्यर ने कहा था कि उनकी वजह से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। इस पार्टी में शब्दों की मर्यादाएं तार तार हो गई थी। 1991 में 1,61,000 वोटों से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने मणिशंकर अय्यर को 4 लोकसभा चुनावों में हार का भी मुंह देखना पड़ा। 1991-1999 के चुनाव में जीत के अलावा उन्हें 96, 98, 2009 और 2014 लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में अय्यर कैबिनेट मंत्री रहे। 2004-2006 के बीच पंचायती राज, 2006-2008 के बीच पेट्रोलियम और फिर 2008-2009 के बीच खेल मंत्री रहे। वहीं यूपीए 2 के दौरान उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सौंपी गई। हालांकि ये वही दौर था जब उन्हें कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया जाने लगा। सियासी पिच पर सुर्खियों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर अपने प्यार को लेकर भी चर्चा में रहे। तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे मणिशंकर अय्यर सिख लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे। दोनों के परिवार वाले रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। घर वालों के विरोध के बाद जब अय्यर मंदिर में शादी रचाने के लिए पहुंचे तो पंडित ने शादी कराने से इनकार कर दिया। नवंबर 1959, 16 साल की सुनीत वीर सिंह को 18 साल के मणिशंकर अय्यर ने पहली बार देखा था। सुनीत एक इंटर कॉलेज डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में लेडी इरविन कॉलेज की अगुवाई कर रही थी। इसी दौरान अय्यर सुनीत को दिल दे बैठे। हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई। इसी बीच अय्यर कैम्ब्रिज चले गए। 1963 में पढ़ाई खत्म करके अय्यर जब भारत लौटे तो उनकी एक छोटी सी मुलाकात सुनीत से हुई। हालांकि फिर दोनों के बीच लंबी जुदाई रही, लेकिन कायनात को कुछ और ही मंजूर था। मणिशंकर अय्यर के भाई मुकुंद ऑल इंडिया रेडियो में काम किया करते थे। उनकी मदद से सुनीत ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी पा गई। यहाँ सुनीत की दोस्ती गीतांजलि से हुई, जो मणिशंकर अय्यर के दूसरे भाई स्वामीनाथन से प्यार करती थी। उनकी शादी के दौरान सुनीत और अय्यर की फिर से मुलाकात हुई। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और मुलाकातें प्यार में बदल गईं। जब सुनीत और अय्यर ने शादी का फैसला लिया तो परिवार वालों ने विरोध किया था। सुनीत के साथ अपनी शादी का किस्सा सुनाते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा था, सुनीत एक सिख परिवार से आती हैं और मैं तमिल ब्राह्मण था। दोनों परिवारों के बीच इस बात को लेकर काफी तनाव रहा। मेरी माँ इस बात को लेकर जितना बखेड़ा खड़ा कर सकती थी उन्होंने किया। आखिरकार हमने तय किया कि हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मेरे पिता ने किसी दौर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। मैं सुनीत को लेकर उस मंदिर में चला गया। वहाँ के पुजारी ने मुझसे पूछा कि लड़की ब्राह्मण ही है ना। मैंने उससे कहा कि लड़की ब्राह्मण क्या, हिंदू भी नहीं है। इसके बाद उसने शादी करवाने से मना कर दिया। काफी हुज्जत के बाद उसने कहा कि अगर मैं उसके लिए विस्की की एक बोतल लाकर दे दूं तो वो हमारी शादी करवा देगा। ये बातें सुनकर मुझे भयानक गुस्सा आ गया। मैंने तय किया कि मैं हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी ही नहीं करूंगा। इसके बाद सिविल मैरिज एक्ट के तहत मैंने और सुनीत ने शादी कर ली।
एक दूसरे से पहली बार मिलने के 14 साल बाद हम आखिरकार पति पत्नी हो गए। तमाम विरोधों के बीच दोनों ने 14 जनवरी 1973 को शादी कर ली थी। मणिशंकर अय्यर खुद को फंडामेंटल सेक्युलर कहते हैं। वो भारत पाकिस्तान की दोस्ती के गाने गाते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह ये हो सकती है कि उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय उनका परिवार भारत वापस लौट आया। 10 अप्रैल 1941 को लाहौर के लक्ष्मी मैंशन में जन्मे मणिशंकर अय्यर के पिता वैद्यनाथ शंकर तमिलनाडु के तंजौर के रहने वाले थे, लेकिन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की वजह से उन्हें तमिलनाडु छोड़ना पड़ा। दरअसल 1916 में तमिलनाडु में बनी जस्टिस पार्टी के टीएम नायर और रामास्वामी पेरियार ने राज्य में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत की। उनके आंदोलन का लक्ष्य नौकरियों में ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करना था। मणिशंकर के पिता वैद्यनाथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन आंदोलन की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन गुस्से में वो तंजौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सामने खड़ी ट्रेन में बैठ गए और चलते चले गए। ट्रेन का आखिरी स्टेशन लाहौर था। लाहौर उतरने के बाद वैद्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह वहां किसी को नहीं जानते थे और न ही कायदे से हिंदी बोलने आता था। किसी ने उन्हें सदानंद अयंगार के बारे में बताया, जो लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे और तंजौर के ही रहने वाले थे। उन्होंने वैद्यनाथ को नौकरी पर रख लिया। लाहौर में वैद्यनाथ खुद को जमाने में कामयाब रहे, लेकिन आजादी के बाद उनके लिए किसी त्रासदी की तरह उनके जीवन में आई। अचानक से उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। वो दिल्ली आकर अपने लिए नया काम देख ही रहे थे कि 1953 में विमान हादसे में वैद्यनाथ की मौत हो गई। हालांकि एक बीमा पॉलिसी ने अय्यर परिवार को पूरी तरह से बिखरने से बचा लिया। दरअसल मणिशंकर अय्यर के पिता वैद्यनाथ ने अपने नाम पर लंदन की लंकाशायर इंश्योरेंस कंपनी में 3 लाख का बीमा कराया था। उनकी मौत के बाद बीमा की रकम उनके परिवार को मिली, जिससे उनके बच्चों का खर्च चल पाया। पिता की मौत के बाद मणिशंकर की माँ भाग्यलक्ष्मी दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हो गयी, जहाँ माँ ने मणिशंकर और उनके भाई स्वामीनाथन का एडमिशन दून स्कूल में करा दिया। परिस्थितियों का हवाला देते हुए भाग्यलक्ष्मी ने स्कूल से फीस में कटौती मांग की। उनका तर्क था कि बच्चे उनके साथ रहेंगे तो हॉस्टल की फीस नहीं जानी चाहिए, लेकिन स्कूल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक रास्ता निकला और फैसला हुआ कि भाग्यलक्ष्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे और इसके बदले उनके बच्चों की फीस का एक हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। दून स्कूल के बारे में अय्यर का कहना है कि वो देश के सबसे रईस स्कूल के सबसे गरीब छात्र थे। बकौल मणिशंकर, मैं देश के सबसे रईस स्कूल का सबसे गरीब छात्र था। इस बात ने मेरे दिमाग पर गहरा असर डाला था। शायद यही वजह थी कि मैं धीरे धीरे कम्युनिस्ट होता चला गया। मणिशंकर अय्यर के बयानों ने भले ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई, भले ही लोग उन्हें उनके विवादों की वजह से याद रखें, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह मणिशंकर अय्यर का करियर रहा, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।